राजस्थान के धौलपुर शहर में इन दिनों एक बकरा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस बकरे की खासियत आठवें अजूबे से कम नहीं है। दरअसल कौतूहल का विषय बना ये बकरा नर होते हुए भी मादा बकरी की तरह दूध देता है। पशु चिकित्सक भले ही इसे हार्मोन्स की गड़बड़ी का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन लोग इसे कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं आंक रहे हैं। शहर के नज़दीक गुर्जगांव में पाला जा रहा ये बकरा आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बकरे के मालिकों की माने तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये बकरा हार्मोन की गड़बड़ी के चलते सुबह और शाम कुल मिलाकर करीब 1 लीटर तक दूध रोजाना देता है। इस बकरे के मालिक के मुताबिक एक साल पहले मनिया कस्बे में लगे एक पशु मेले से इसे खरीदा गया था। तब इसकी उम्र 2 महीने थी और कीमत 3,000 रुपये। करीब 6 महीने पहले इस बकरे के हार्मोन्स में गड़बड़ी हुई। असंतुलित हार्मोन्स के कारण ये बकरी की तरह दूध देने लगा। इस दूध देने वाले अनोखे बकरे को देखने के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों की माने तो बकरे का दूध देना उनके लिए आश्चर्यजनक है। उन्होंने पहली बार किसी बकरे को दूध देते देखा है। अब इस खबर को सुनने के बाद बड़ी संख्या में लोग बकरा मालिक के घर पहुंच रहे हैं, उसके बारे में उत्सुकता से जानकारी ले रहे हैं। उधर पशु चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सक्सेना कहते हैं कि ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ी का नतीजा है। ऐसा दुर्लभ होता है और 10 लाख मामलों में से किसी एक बकरे या फिर किसी अन्य पशु में इस तरह की खामी या इस तरह की गड़बड़ी देखी जाती है। दोनों टाइम काटती। अरे हम तो इसको 2-2.5 साल का लेके आए थे साहब। नहीं, 2-2.5 महीने का। और 6-7 महीने बाद इसकी पता लगा हमको कि इसकी थन दिखाई दी हमने हमको, तो हमने उसका दूध निकाला तो उसमें दूध निकलने लगा साहब। 250 ग्राम, कभी 200 ग्राम ऐसे, मतलब कि दूध निकल जाता है इसके अंदर से। कहाँ से लिया था? हम एक गांव से लाए थे ये बकरा। ये लाई थी तो इन्होंने बताया था कि ये बकरा दूध देता है, तो मैंने भी देखा इस बकरे को दूध निकाल करके, तो वास्तव में इसने दूध दिया। दोनों थनों में से इसका दूध निकलता है और ये करामात करीबन सभी लोगों के भी जाहिर हो गई है कि बकरा पहला हमने देखा है जो दूध देता है। बकरा जब मेल में कभी ऐसा होता है कि जब वो जेस्टेशन पीरियड में अपने माँ के जब फीटस फॉर्म में होता है तो हार्मोन के बैलेंस अगर बराबर हो जाते हैं मेल और फीमेल के डिप्रेशन टाइम में, तो दोनों तरह के जो है सिस्टम मेल और फीमेल सिस्टम किसी पर्टिकुलर फीटस में डेवलप होता है और वो डेवलपमेंट आगे अगर प्रोसीड कर जाएगा तो उसमें दोनों तरह के जेनेटेलिया, दोनों तरह के जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप होंगे और ऐसी स्थिति में जो है वो मेल के सिम्टम भी देगा, मेल के सिस्टम भी शो करेगा और फीमेल के भी करेगा। सर, ये कितने मामले अगर देखे जाए सामने? ये बहुत रेयर केस होता है। कभी कभी ये 1 लाख में जो है, 1 मिलियन में जो है 1 केस, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है।